मतलब इस प्रकार की तुम्हारे सिद्धांत में भी है ना कि अनेक पुरुष मानने में भय तो सिद्धांत नहीं कर पाओ। इसलिए पुरुष एक है, उपाधि अनेक है, और उपाधि के भिन्नता के कारण और उपाधि के व्यभिचार के कारण जन्म मृत्यु जरा व्यधि सुख दुख भूख व्याध सब अलग अलग दिखाई पड़ता है। शुद्ध चेतन एक ही मतलब एक ही सूर्य अलग अलग घर में प्रतिबिंब होकर के छोटा बड़ा हिंदा दूसरा नाम ये सब देखे करते ये होना संभव है। इस श्लोक को लेकर के बोल रहे थे, इस श्लोक को एक्सेप्ट करेंगे। पांच नंबर श्लोक, यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवः सुरादिभिः। जैसे अनेक घर है, अनेक घर में किसी एक घर में आपने थोड़ा धुआं दिया मतलब धुआं आदि दिया तो काला हो गया, इससे सारा घर गंदा नहीं होता। किसी प्रकार एक उपाधि में किसी कमी आने के कारण एक आकाश गंदा नहीं हो जाता, उस घट मात्र गंदा हो जाता। इसी प्रकार आत्मा जो है ना वो अशुद्ध है, व्यापक है, पूर्ण है। उपाधि शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर उसमें अलग 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 वृत्ति होने के कारण वहाँ पर भिन्नता दिखाई मात्र पड़ता है ना। वो एक एक दुखी है तो सभी दुखी नहीं होता, एक सुखी है तो सभी दुखी नहीं होता। इसी को जिस प्रकार एक घरा गंदा है धुआं है तो सभी घरा गंदा नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ के तत्व पर जीवा सुखादि जीव की शुभ दुख एक एक को सुख होगा तो सब कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर शुभ दुख आत्मा की धर्म नहीं है, शुभ दुख मन की धर्म है, भूख प्यास प्राण की धर्म है, जन्म मृत्यु शरीर के धर्म है, विषय ग्रहण इंद्र के धर्म है। हाँ चेतन आत्मा की विद्यमानता में हो पाता है परंतु आत्मा इससे सर्वथा संतुष्ट है। इसलिए एक आत्मा मान करके उपाधि की भिन्नता को लेकर के शंकर के संवाद से बच सकते हैं। यहाँ तक शंकर जो दर्शन को लेकर के विचार यहाँ पूरा कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे नए दर्शन क्या बोलते हैं, नए वैशेषिक दर्शन। नए वैशेषिक दर्शन का उनका सिद्धांत है, उनके पास कितना पदार्थ है, सात पदार्थ हैं, द्रव्य भूम कर्म सामान्य विशेष समन्वय अभाव। ये सात पदार्थ है बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग पदार्थ अलग अलग है। जैसे ये एक अलग वस्तु एक अलग वस्तु एक अलग वस्तु ठीक है ना, तो ये इसमें समवाय संबंध नहीं कह सकते जब ये दोनों अलग वस्तु ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सात पदार्थ हैं, उसमें जो द्रव्य नामक पदार्थ है नौ प्रकार के द्रव्य मानते हैं। वो क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन और आत्मा। उसमें इस नौ द्रव्य में 24 गुणों को अलग अलग बांट करके रखा है। आकाश में शब्द गुण रहता है, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों गुण रहते हैं। इस प्रकार से आत्मा में आकर के चेतना का ज्ञान रूपी धर्म आत्मा में, स्पर्श धर्म वायु में भी है मन आदि में है आत्मा में नहीं है, उसने नहीं माना। इस प्रकार उनकी अपनी अपनी मान्यता है, उनकी सिद्धांत के अनुसार ये द्रव्य गुण जिसके आश्रय में रहते हैं उसका द्रव्य कहता है, और जो द्रव्य का आश्रय में रहता है उसको गुण कहता है। द्रव्य में गुण समवय संबंध से रहता है, द्रव्य में गुण समवय संबंध मतलब अधिक सिद्ध मतलब एक दृष्टि को छोड़ करके कभी रह ही नहीं सकता, ऐसा भी संबंध। आप बताओ इच्छा देश सुख दुख संघर्ष अगर संस्कार ये जो है आपका गुण है, और आत्मा में समवय संबंध से रहता है गुण द्रव्य में, क्योंकि समवय संबंध से रहेगा तो ये गुण कभी आत्मा से अलग होगा तो तुम्हारे पक्ष के लिए अनेक मोक्ष का प्रश्न मोक्ष मुक्ति को नहीं हो पाओगे। उनका सिद्धांत है द्रव्य और गुण को अलग करके समझते नहीं मुक्ति है, समझ सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को लेकर के अब इनको भी पूछेंगे, अच्छा बताओ ठीक है तुम्हारे यहाँ पे आत्मा में नौ गुण रहता है कहाँ रहता है, पूरा आत्मा में रहते हैं कि एक देश में रहते हैं। यदि कहें तो पूरा आत्मा में रहते हैं तो हमेशा नौ गुण एक साथ होना चाहिए। यदि कहें तो एक देश में रहते हैं तो एक देश पारणा ठीक है सत्य है कि एक देश कल्पित, यदि कहें तो एक देश सत्य है तो आत्मा सावय वस्तु होगी, सावय वस्तु अनित होता है नाशवान होता है। और यदि कहें तो एक देश कल्पित है तब तो आत्मा में है ही नहीं ठीक है। इस प्रकार से उनके सिद्धांत को छोटा छोटा गर्वित के द्वारा इनको काफी उसका निराकरण करने के। तो हम लोग जो है भाष्य में देखो यहाँ तक हमने पढ़ी हुई
परस्य उपलब्धि मात्र शब्द सर्वेण प्रधान प्रकृति हेतु न के नचित विशेष नहीं केवल मूढ़तया एव पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ परित्यागश्च यहाँ तक है सांख्य योग दर्शन में खंड हो गया। इसलिए पुरुष एक चाहिए क्योंकि पुरुष में अनेक कल्पना करके आपने क्या किया वेद में वेदार्थ परित्याग क्या होता है वेद प्रतिपाद्यम जो अद्वैत उसको आपने छोड़ दिया ठीक है ना। वेद ने अभिन्नता के प्रतिपादन कर संपूर्ण उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय क्या है यदि आपको कोई पूछता है कि उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय क्या है क्या बोलेगा जीव ब्रह्म की एकत्व प्रतिपादन। जीव ब्रह्म की एकत्व प्रतिपादन ही समस्त उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय है ना। कि जीव और ब्रह्म अलग का हमारी मान होता है इसको एकत्व का प्रतिपादन करना इसीलिए एक आत्मा से इसलिए बोलते हैं कि वेदार्थ परित्याग और वेद प्रतिपादन अध्येतम। अब जो है द्वितीय उत्थापयति द्वितीय भाग का भी उत्थापन करते हैं। देखो यहाँ पे बोले है ना उनकी द्वितीय पक्ष विवक्षण आसंगन एक आपने सांख्यवादी के पक्ष में पूछते हैं कि न्याय विशेषित पक्ष में पूछते हैं तब क्या पड़ता है हम सांख्यवादी को लेकर के होता है ठीक है सांख्यवादी हो गया। अब बचा क्या न्याय विशेषित पक्ष दूसरे पक्ष को उसको आप उत्थापन करते हैं तो द्वितीय उत्थापय जेतु भाषण जेतु आहु वैशिष्टिकादय इच्छादय आदय आत्म समवायिन इति ठीक है ना। और जो लोग मतलब उससे भिन्नता को दिखाने के लिए सांख्य और योग दर्शन की तुलना में उनके सिद्धांत में भिन्नता है इसको दिखाने के लिए तू और जो लोग आहू ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं कौन है वो लोग वैशेषिक न्याय के लोग वैशेषिक आदय उनके अनुयायी लोग हैं क्या बोलते हैं इच्छा आदय इच्छा भी नौ गुण है वो बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 134 में व्यक्ति का भी इस लैंग को हमने पढ़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा लैंग में देख लिया क्या मिला बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार नव विशेष गुणा और 5 सामान्य गुणा भी आत्मा में रहते हैं 14 गुण वाले आत्मा विशेष गुण आत्मा में ये अब उसमें इसलिए बोलते हैं बुद्धि मत चेतन ज्ञान सुख दुख ज्ञान आप दो प्रकार की मानते हैं एक अनुभवात्मक ज्ञान और स्मृति आत्मक ज्ञान और अनुभव के बिना स्मृति हो नहीं होता इसीलिए पहले अनुभव होगा फिर स्मृति हो गया। अब उनके सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जो है अलग अलग प्रकार की स्मृति अलग अलग प्रकार की अनुभव आप क्या है ये जो भावनात्मक जो संस्कार यदि सबको अलग अलग नहीं होती तो अलग अलग स्मृति अलग अलग अनुभव होना संभव नहीं है। इसीलिए जीव देवदत्त की आत्मा जीव दत्त की आत्मा से भिन्न है अपने पक्ष में ऐसा कहते हैं क्योंकि सभी के संस्कार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आत्मा का संस्कार कहाँ रहते हैं आत्मा में रहते हैं जिस प्रकार यानी कि इसमें पानी रहता है और किसी में लाल पानी किसी में सफेद पानी किसी में काला पानी अगर आपको रखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा अलग अलग पात्र रखना पड़ेगा। इसलिए इसी प्रकार आत्मा अलग अलग प्राप्त उसमें अलग होना चाहिए ऐसा न्याय दर्शन दर्शन का सिद्धांत उसको लेकर के बोलते हैं ये तो आहुर वैशेषिकादय इच्छादय आत्म समवायि इति जो वैशेषिक आदि सिद्धांत वो कहता है इच्छादि जो नौ विशेष धर्म अथवा गुण है वो आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। समवाय को एक विशेष संबंध माना पदार्थ भी अलग ना पदार्थ बिल्कुल अलग ना इस प्रकार देखिए ये एक पदार्थ है ये एक पदार्थ है बिल्कुल अलग पदार्थ है ये दोनों का भी समवाय संबंध से है सिद्धांत इसलिए बोलेंगे कि इच्छादय आत्म समवाय ने इति ऐसा मंत्र आपका ये कथन सही नहीं है तब अभी असत आपका ये कथन सही नहीं है तब अभी असत को समझाने के लिए आनंद गिरी जी बोलेंगे देखो क्या क्या इसमें क्यों आपका ये कथन सही नहीं है क्यों सही नहीं है तो जो हमने बोल के आया तो उसको ये तो समझा रहे तो ठीक है आ जाइए बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार नव विशेष गुणा आत्म समवाय ऊपर है ना इच्छादय नव विशेष गुणा आत्म समवाय टीका और भाष्य को सामान्य करके अन्य करने पर जाते भाष्य में क्या लिखा है इच्छादय इच्छादय में बोला बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार नव विशेष गुणा इच्छा विषय आत्म समवाय आत्मा में सर्व संबंध से रहता है आपने कहा तेज प्रत्येक आत्मा सु
व्यवस्थया समवेता स्वीकृत्यते। ये जो गुण है ना, प्रत्येक आत्मा में अलग अलग, किसी की बुद्धि अच्छा, किसी की बुद्धि कम, किसी में सुखी, किसी को दुखी, किसी में कुछ इच्छा, किसी में कुछ इच्छा। इसीलिए देवदत्त की आत्मा देवदत्त की आत्मा से भिन्न होना चाहिए। आत्मा में सारा तेज गुण प्रत्येक अलग अलग करके आत्मासु आत्मासु भोजन बता अनेक आत्मा मानते हैं। इसीलिए आत्मासु व्यवस्थया सब में अलग अलग प्रकार से नियत रूप से समवेता मतलब समवय संबंध से रहता है। स्वीक्रियंते ऐसा स्वीकार किया जाता है उन लोगों के द्वारा, स्वीक्रियंते स्वीकार किया। तेज गुणा प्रत्येकम आत्मसु तेज गुणा वो जो नौ गुण है प्रत्येक अलग अलग आत्माओं में व्यवस्था है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की अलग अलग प्रकार की व्यवहार दिखाई पड़ता है। इसलिए वहाँ के एक सब अलग अलग है, आत्मा अलग अलग है। क्योंकि आपने सफेद पानी, काला पानी, लाल पानी रखने के लिए अलग अलग पत्र चाहिए। इसी प्रकार शुभ अच्छा सब अलग अलग रखने के लिए अलग अलग पात्र, प्रत्येक व्यवहार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। व्यवस्था समवेता स्वीक्रिय ऐसा स्वीकार किया जाता है। तीन नंबर तिरपन में देखिए, तीन नंबर तिरपन व्यवस्था समवेता देवदत्त आत्म समवेत बुद्धि सुखादि स एव बुद्धि सुखादि नियम व्यवस्था तया मतलब उसके द्वारा व्यवस्थित एक वचन दिखाने के लिए इसको प्रतिपन्न है। व्यवस्थया प्रतिपदी क्या है? व्यवस्था प्रतिपदी क्या है? व्यवस्था। उसका तृतीय एक वचन है व्यवस्थया, जिसे बनाया तो आपको पहले व्यवस्था क्या है समझा गया उसको उसके द्वारा व्यवस्था है। देवदत्त आत्म समवेत बुद्धि, देवदत्त की आत्मा में स्वभाव संबंध से रहता है जो बुद्धि शुभ इच्छा धर्म धर्म संस्कार नव गुण सुखादि भी सैव उसके आत्मा में स्वयं संबंध से रहता है। जिस प्रकार का सुख दुख इच्छा के संस्कार उसी सुख दुख इच्छा के संस्कार से देवदत्त व्यवहार करता है। देवदत्त का अलग सुख देखो जो वस्तु आपको सुख देता है ये इसको सुख देता है क्या? हो सकता है पढ़ाई लिखाई में एक प्रकार सुख हो, व्यवहार में खाने में अलग हो सकता है, व्यवहार में अलग हो सकता है। इसीलिए आपका आत्मा अलग और इसका, क्योंकि आत्मा में सुख दुख आदि सब मन से रहता है उनकी मानना है, इसलिए अलग होना चाहिए। नियम अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकार के जो व्यवहार होता है इस नियम को यहाँ पे व्यवस्था कहा गया है। और इस व्यवस्था के द्वारा इस व्यवस्था के कारण आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा अनेक मानना होगा। इसलिए व्यवस्था तृतीय एक वचन है, इसलिए हमें बोलते हैं कया व्यवस्था करने के बाद कया पद दिया हुआ है उसका तृतीय एक वचन दिखाने के, ठीक है समझने वाले कया व्यवस्था कया मतलब व्यवस्था व्यवस्था अनुपत्य प्रतिदेहम आत्मभेद सिद्धि इति अर्थ, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था तब तक नहीं बन सकता यदि आत्मा अलग अलग ना हो तो, यदि पात्र अलग अलग ना हो तो आप किसी में काला पानी, किसी में सफेद पानी, किसी में लाल पानी, किसी में मीठा पानी, किसी में खट्टा पानी अब नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए वो आत्मरूपी पात्र अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी बोलते हैं कम से कम गीता भी ठीक से पढ़ लिए होते तो ये कितनी बड़ी भारी गलती नहीं करते कि ये जो सब आत्मा में रहने वाले नहीं है। लगा सके प्रभु चंद्र कामा जैसे विधिस्थित बोलते हैं कि भगवद गीता में भी बोलते हैं मन में रहने वाला क्या मन वहाँ पे दीदी आते हैं तो वहाँ पे किसके बोल रहे हैं सीधे प्रज्ञा का लक्षण, सीधे प्रज्ञा का लक्षण बोलते हैं क्या पहला वाला है सीधी मुनि उच्चति जस सर्वत्र अनभिस्नेह तत् प्राप्त सुभाष इस पर सारा जो है मन की स्थिति है, मन की धर्म है यहाँ पे। तो ये जो है वो लोग नहीं समझ पाने कर आत्मा की आस्था में मान लिया। हम क्या करते हैं, हम मन अनेक मानते हैं क्योंकि ये सब मन में रहने वाले हैं और वो इसको आत्मा में समझ लिया, फल तो आत्मा को अनेक मान लिया। सिद्धांत अथवा व्यवस्था बनाने के लिए प्रक्रिया दोनों की एक ही है, सांख्य से थोड़ा भिन्न है, प्रक्रिया दोनों की एक ही है कि जहाँ पे अनेकत्व देखा आप ठीक से समझते हैं कि अनेकत्व अथवा व्यवहार कहाँ पे होगा। सभी वादियों ने जरा सोच लिया, सभी वादियों ने अज्ञान से ही व्यवहार माना, ज्ञान से व्यवहार नहीं किया, चाहे चार्वाकी चाहे सांख्यवादी चाहे जो है नए वैशेषिकवादी चाहे वेदांती,
अज्ञान से व्यवहार होता है। चार बार जो है अंशों की दूरी होते हैं शरीर को आत्मा मानने में, ठीक है ना। हम अपने पुत्र मित्र को आत्मा मान करके अंशों की दूरी होता है, उसके सुख दुख से अंशों की दूरी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि जो अज्ञान के कारण वहाँ पर आसक्ति होती है, जब जब अपने शरीर को आत्मा मान नहीं आत्मा है तब उसको और क्या मुक्ति अवस्था में आत्मा में कोई व्यवहार नहीं होता। उनके सिद्धांत में शरीर छूट जाए मुक्ति है, और जो क्या मुक्ति मोड़ मानने के बाद व्यवहार नहीं। चार्वाक सिद्धांत भी ऐसा है, चार्वाक सिद्धांत शरीर का आत्मा मानते हैं। सांख्यवादी ने देखो कि सुख दुख आदि बुद्धि में मान और अज्ञान के कारण प्रकृति और पुरुष का संशय हो जाता है, ज्ञान से कर प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाता है, फिर व्यवहार कर देगा। सारा व्यवहार सभी वादियों का सारा व्यवहार एक इच्छा देश के लिए मन के साथ संयोग से माना है। वो मन के साथ संयोग मतलब प्रकृति अब यहाँ पे क्या द्रव्य और उनके विभाग हो जाए तब उसका व्यवहार बंद हो जाता है। ऐसा सभी वादियों में बौद्ध दर्शन में चित्त में है ना जो संस्कार उससे व्यवहार हो जाए ऐसा माना। इसीलिए अज्ञान दशा में व्यवहार न संभव है, ज्ञान दशा में व्यवहार न संभव नहीं है। तो कहाँ पे है और किस जगह है उसको ठीक से यदि ऑब्जर्व करते हैं तब ये गलती नहीं होगी। यहाँ पे बोल रहे हैं देखो ये तो आहुल वैशिष्ट कहा गया था, हाँ ठीक है। ऐसा व्यवस्था अनुभवता इस प्रकार देवदत्त इच्छा ये नौ गुणों की व्यवस्था युक्तिहीन होने के कारण यदि आत्मा अलग नहीं होगा युक्तिहीन होने के कारण प्रतिदेह आत्मा भेद सिद्धि प्रत्येक शरीर में आत्मा की भेद सिद्धि होता है। इस प्रकार उनके सिद्धांत क्या था उसने अर्थापत्ति प्रमाण दिया था पुरुष भेद प्रधान पदार्थ अनुभवती अर्थापत्ति प्रमाण दिया। इसी प्रकार यहाँ भी बोलते हैं नौ गुणों के अलग अलग व्यवहार जो है आत्मा भेद को बिना युक्ति संगत नहीं होता, इसीलिए आत्मा में भेद मानना चाहिए ऐसा न्याय सिद्ध संघ। अब हम आपसे पूछते हैं किम बुद्धादय रूपादिव आत्मा व्यापिन किंवा संयोग आदिव एक देश जिस प्रकार कि जो रूप आदि को पूर्ण मानव शब्द स्पर्श रूप का स्कंध ये जहाँ पे रहता है रूप तेज में पूरा व्याप्त होकर के रहता है, शब्द आकाश में एक देश में नहीं रहता पूरा आकाश को व्याप्त होकर के रहता है, स्पर्श वायु के एक देश में नहीं रहता पूरा वायु को व्याप्त होकर के रहता है। तो ये बताए जी ये जो बुद्धियाँ जो आपका नौ गुण है 24 गुण में ये नौ गुण आपने आत्मा में रखना चाहते हो तो जैसा शब्द आकाश में अथवा रूप तेज में पूर्ण व्यापक होकर के रहता है ऐसा ही ये नौ गुण पूरा आत्मा में व्याप्त होकर के रहता है अथवा एक देश में रहता है जैसे संयोग दो वस्तु का संयोग एक देश में हो, ठीक है ना। पूरा हाथ है दो हाथ का संयोग हमने केवल कुंडली के माध्यम से अपने से मात्र कर सके एक देश में संयोग कैसा है तुम्हारी आत्मा की रहना कैसा तुम्हारा पूछे बोलते हैं कि बुद्धादय रूपादिवत आत्मा व्यापिन किंवा संयोगादिवत एक देश अथवा संयोगादि के समान एक देश में रहना, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लें तब आप कभी भी किसी भी दर्शन इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए अच्छी तरह से ना जान करके देखिए सिद्धांत ताकि ब्रह्म सूत्र में तो आया हुआ है तत्व पाते हैं। तो अभी हम देखिए चार नंबर के ऊपर में आत्मव्यापिन एक हो गया व्यापक वृत्त और एक देश वृत्त और छत्री का कपड़ा भी रंग अलग अलग पूरा व्याप्त होकर के रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप बताओ आत्मा में मतलब आत्मा में समवय संबंध से ये नौ द्रव्य रहता है तो पूर्ण व्यापक होकर रहता है अथवा एक देश में, ठीक है। इसलिए प्रश्न पूछे किम बुद्धादय किम बुद्धादय बुद्धादि नौ है और रूपादि के किसी से ये दृष्टांत तो दे रहा है रूप 24 गुण रूप में नहीं है रूप कहाँ पे है तेज में है रूप आत्मा में नहीं है आत्मा में नहीं माना रूप में दृष्टांत दे रहा है जैसे तेज की ब्रह्म रूप माना तुमने वो कहाँ तेज की किस में कहाँ रहता है पूरा तेज को व्याप्त होकर के रहता है आकाश में शब्द गुणगम आकाश तो आकाश के शब्द का शब्द क्या आकाश के एक देश में रहता है कि पूर्ण व्यापक होकर के रहता है पूरा व्यापक होकर के रहता है। तो ऐसा मानते हो तुम आत्मा में जो नौ गुण मानते हो ऐसा मानते हो क्या इसके अंदर बोलते हैं क्योंकि संयोग भी एक गुण है
संयोग जो है एक गुण है और वो दो द्रव्य में एक देश में रहता है। ये एक द्रव्य है, एक द्रव्य है, इसमें संयोग एक देश में रहता है, ठीक है ना। परंतु इस द्रव्य में जो काला रंग है, इस द्रव्य में जो काला रंग है पूरा इसको व्यक्त करके देता हूँ, ठीक है ना। तो तुम कैसा मान, कैसा मान कि इस आत्मा में जो ये नौ गुण रहेगा ये एक देश में रहेगा तो पूर्ण होगा, ठीक है। नौ गुण ये पूर्ण व्यक्तता के सारा एक जगह रहता है और आपका आत्मा मन का संयोग से वहाँ पे चेतन तो उत्पन्न होता है। जैसे मन संयोग हुआ अब उनकी मान्यता देगा, उसमें भी कर्म गड़बड़ है तो क्या करेगा, सारा नौ गुण एक साथ उत्पन्न होने लगते हैं। आप जो है इसकी अपनी इच्छा से कुछ स्मृति करो होना संभव नहीं है, अनुभव कर्म स्मृति होने लग जाएगा, कहीं शोक दुख होने लग जाएगा, एक साथ होने लग जाएगा, आप अलग तक नहीं समझ पाओगे। ऐसा इस प्रकार दृष्टि वाला मंत्र क्या मानते हो, ठीक है। इस दृष्टांत को आप धर्म में बैठा देना, जैसे छात्री का मैं बोला एक ही साथ एक ही छाता दिखाई पड़ता है ना, उसमें ऐसा आप बोलते हैं पहला वाला तो नहीं बोल सकते ना आद्य मतलब व्यापक वृत्ति होकर के रहता है, ये तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, ज्ञानादि गुणानाम आश्रय और व्यापी नाम, ज्ञानादि जो नौ गुण है अपने आश्रय का क्या है उसका आश्रय, ज्ञानादि गुणों का आश्रय कौन है, न्याय वैशेषिक आत्मा, जो जो उसका अधिस आत्मा के आश्रय में रहता है। आत्मा भी व्यापक है, उनके सिद्धांत में आत्मा व्यापक है, ज्ञानादि गुण भी व्यापक है, और क्या हो जाएगा ज्ञानादि गुणानाम आश्रय व्यापिना आश्रय संयुक्त, जब आश्रय के साथ संयुक्त रहेगा तब क्या हो जाएगा सर्वस्मिन अपर्यायेन, सब एक साथ क्रम से नहीं, सब एक साथ अभिव्यक्त हो जाएगा, सब एक साथ सर्वस्मिन अपर्यायेन ज्ञातत्वादि व्यवहार प्रसंगा उसमें सब एक साथ इस प्रकार के व्यवहार होने का मान लिया, ऐसा व्यवहार नहीं दिखाई पड़ता है, ये व्यवहार उत्पन्न करने का प्रसंग आ जाएगा, इस प्रकार के व्यवहार उत्पन्न करने का प्रसंग आ जाएगा, ठीक है ना। कहिए आप इसको किम बुद्धादय रूपाधिपत आत्मन व्यापीन संयोगाधिपत एक देश न, आप जो पहले नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, ज्ञानादि गुणानम जो नौ गुणा बेटा आश्रय व्यापी नाम जो आत्मा आश्रय में पूर्ण व्यापक हो रहे थे, आश्रय संयुक्त आश्रय में पूर्ण सौभाग्य संबंध से रहता है गुण, बिल्कुल जिस प्रकार यहाँ पे काला रंग निर्देश में नहीं है, पूरा आत्मा व्याप्त होता है, पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा अभिव्यक्ति पूरे ऐसा, इसलिए बोलते हैं आश्रय संयुक्त सर्वस्मिन अपर जाए न सभी में, जो क्या होगा प्रज्ञा मतलब क्रम, क्रम नहीं होगा वहाँ पे, एक साथ हो जाएगा ज्ञातता मतलब समझ में आने लग जाएगा, ज्ञातता की व्यवहार जाने का तो प्रसंग पंत ऐसा नहीं होता, पंत ऐसा प्रसंग होने लग जाएगा जाने का प्रसंग की आह। यहाँ देखिए पाँच छः सात की टिप्पण निकल जाएगा ना, है अपनी पुस्तक में पाँच नंबर टिप्पण, आश्रय संयुक्त सर्वस्व ज्ञान विशिष्ट देश अवच्छेदन आत्मसंयुक्त हटादो ज्ञातता व्यवहार दर्शन के बता में क्या दिखाई देता है, जब एक कोई वस्तु दिखाई पड़ती है एक वस्तु का व्यवहार एक साथ होता है और एक साथ अनेक व्यवहार नहीं है, परंतु आप यहाँ भी प्रसंग आते हैं ज्ञान विशिष्ट देश अवच्छेदन, ज्ञान विशिष्ट देश के अवच्छ आत्मसंयुक्त है ना, जिस जिस देश के साथ हमारा ज्ञान हुआ और जो आत्मा उसका साथ दिया तब जाकर के तब विशेष संबंधित ज्ञान होता है, आपके यहाँ पे क्या आत्मा में रहता है तो फर्क क्या हो जाएगा, एक साथ सर्वत्र उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान का व्यवहार दर्शन इस प्रकार व्यवहार दिखाई देते हैं, बल्कि इसका प्रसंग आ जाएगा, यानी इस प्रकार भाव इसका अंतर भाव है। अपर्याय नहीं तथा का सर्वज्ञत्व आपत्ति, एक साथ सर्व सबका ज्ञान हो जाएगा, एक साथ सबका ज्ञान हो जाएगा, अनादिकाल से जितना जन्म हमने लिया था सारा ज्ञान के साथ में सब ज्ञान का आश्रय आत्मा है, हमारे पास जितना कर्म किया जितना कर्म किया सही पता सब ज्ञान आपके पास होना चाहिए। फिर बोलते हैं सात नंबर ज्ञातता आदि व्यवहार जन तत्व प्रसन्नता ज्ञातता आदि
तब देखते कष्ट भावे तब तलो है ना वो अथवा ता इसको स्वभाव अर्थ में आते हैं ज्ञातव्य कर्तरी कर्तरेण यत्रित्वादि तदर्थ आदि शुनक मतलब एक ही साथ आपको क्या है एक साथ जिस समय मैं ज्ञाता हूँ उस समय मैं जिस समय मैं ज्ञाता हूँ एक साथ हम दो काम नहीं कर सकते ज्ञाता ज्ञातता है तो मैं शून्य जानता हूँ तो एक समय में एक ही साथ एक ही कर्म में श्रोता हूँ मैं ग्रहता हूँ देना नहीं हो सकता इस मंत्री में अलग अलग करते होता है आपको अपने आप आपको पता नहीं लगता जिस समय आप सुन रहे हैं जिस समय माना कुछ समय आपका उसका अर्थ उसका बाद में होता है परंतु जो आप यहाँ पे ऐसा मानोगे एक साथ मिल जाएगा एक साथ होने का मतलब अलग नहीं कर पाओगे आप उसको इसलिए बोलते हैं आप उसके साथ और क्या हो जाएगा कि एक ही साथ आपका ज्ञान सुख इच्छा सब एक साथ होने लगता है एक साथ एक जगह तो उसको आप स्टॉप नहीं कर पाओगे आत्मा में है आपको मन समझो हुआ एक साथ में और गुण आप काम करने लग जाएगा एक साथ सुख दुख आदि पर एक आत्म संयुक्ति सुसर्वदेही सुखित आदि का उदाहरण और वहाँ पे क्या है देखिए सभी आत्मा व्यापक सभी आत्मा व्यापक तो जितने मन हैं या सोचिए चीज सभी आत्मा व्यापक है और सभी आत्मा में तुम बोल रहे हो अलग अलग संस्कार है कोई बात और सभी का मन भी अलग है और तो सभी मन के साथ सभी आत्मा व्यापक होने के कारण सभी का संतुष्ट होगा कि नहीं होगा इस प्रकार ये आकाश है एक ये वस्तु है ये वस्तु सभी इस कमरे में जितना वस्तु है सभी के साथ आकाश का जब तक आकाश स्पर्श होगा समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ जैसे वायु का स्पर्श होगा समझ में आता है इसके साथ भी इसके साथ भी ठीक है ना इसी प्रकार आपका मन एक देश में होने पर भी परंतु सभी आत्मा के साथ भी मन का संबंध हो तो सभी मन का सारा चीज एक साथ हम नियमन नहीं कर पाओ नियमन नहीं कर पाओ आपके सिद्धांत हम इसके आगे बोलते हैं कर्तरी प्रत्यय प्रत्यय कर्तृत्व आदि तदर्थ आदि से क्या लेकर आते सुखादि एकात्म संयुक्ति सुख सत्म सर्वदेही सुख आदि सुखत्व आदि व्यवहार सब शरीर में हम सुख आदि का व्यवहार करते तो सुन पा जाएगा ऐसा करेगा क्योंकि उनका सभी आत्मा व्यापक है सभी आत्मा सभी मन को छुएगा फर्क क्या हो जाएगा उस आत्म मान सकते सभी का सभी माने लग जाएगा सांकर्य तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा हमारे पक्ष में सांकर्य नहीं है कि काम उपाधि सब अलग अलग माने एक आत्मा माना उपाधि प्रतिफलित होकर के जो अनेक आत्मा नहीं है तो वहाँ पे तुम्हारा अनेक आत्मा का अनेक मन के साथ सभी आत्मा व्यापक है सभी मन के साथ सभी आत्मा का संबंध होगा सब एक साथ होने लग जाएगा तुम इसको रोज सांकर्य तुम्हारे पक्ष में इतना होगा कि तुम मुक्ति की चिंता ही मत कर नहीं सकते इसीलिए हमें बोलते हैं यीशु के ताले का भारत प्रसन्न सर्व शरीर है इसलिए होता है तदपि असत आपका ये कथन भी सही नहीं है आपके ये कथन भी सही नहीं है क्यों क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार आपके सिद्धांत के अनुसार सांकर्य अनिवार्य है आपके सिद्धांत अशुभ मतलब आपके सिद्धांत के अनुसार सांकर्य अनिवार्य हो जाएगा कि द्वितीय द्वितीय मतलब क्या होगा था आपने नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा तो एक देश में रहेगा कोई बात नहीं क्या एक देश में रहेगा आत्मा में सुख दुख आदि जो नौ गुण है वो आत्मा की एक देश में रहेगा ठीक है प्रसंग को नहीं छोड़ना तब इधर को समझ नहीं कर क्या बोलना चाहते हैं तो द्वितीय रूप एक देश तो वो जो एक देश में रहेगा जिस प्रकार छाता के जो मृत्यु होते हैं वो एक एक देश में रहेगा इसी प्रकार नौ देश में नौ रहेगा तो हम ये आपसे पूछते हैं कि ये एक देश इस प्रकार देखो छाता की एक लट्ठी जुड़ जाती है उसका सही लगता है और जुड़ जाती छाता निकल जाती है तो ये अलग अलग जो देश में रहने वाले हैं वो देश सत्य है अथवा कल्पित है यदि आप सत्य मतलब आप सावय वस्तु मान लोगे तब आत्मा को आत्मा को क्या मान लोगे सावय वस्तु मान लोगे यदि वो देश आप सत्य मानते परमात्मा मान लो एक देश में शिव इच्छा एक देश में शुभ एक देश में दुख एक देश में ज्ञान एक देश में संस्कार ऐसा अलग अलग देश में रहते हैं वो देश तुम्हारा सत्य है अथवा यदि तुम सत्य कहें तो तब तुमने क्या किया उस आत्मा को सावय वस्तु मान तो सावय वस्तु विकारी ना शुभ आत्मा कहता आत्मा को नित्य नहीं मान सकते ठीक है
छोटा सा शब्द प्रयोग करते हैं समझने के लिए। प्रथम यदि आप ऐसा मानोगे मतलब उसको सत्य मानोगे तब क्या हो जाएगा, घटाधिप आत्म सत्य एक धर्म, जैसे घट एक सावयव वस्तु है उसका एक देश सत्य है, ठीक है ना, एक सत्य है तो क्या हो जाएगा सावयव वस्तु होगा, सावयव वस्तु बोले विकारी होते हैं अनित्य होते हैं, इसलिए आप बोलते हैं घटाधिप आत्म सत्य एक देशत्व, घटाधि के समान आत्मा भी सत्य एक देश वाला होने के कारण कार्यत्वादि प्रसंग आत्मा कार्य मतलब उत्पत्ति विनाशी हो जाएगा, कार्य मतलब क्या होता है उत्पत्ति कार्य आदिना विनाशित्व आदाया, कार्य मतलब क्या होता है उत्पत्ति विनाशी वस्तु कार्य होती है, इसलिए आत्मा भी उत्पत्ति विनाशी वाला वस्तु सावय वस्तु होगा, सावय वस्तु विकारी हो तो उत्पत्ति विनाशी नाशवान होता है, ये सिद्धांत इसलिए तुम्हारे सही। अच्छा अरे नहीं नहीं हाँ वो कल्पित देश माने तब तो तुम कोई बात नहीं हमारे साथ एक दूसरे में जाकर हमारे साथ विरोध नहीं करते, कल्पित लेकर भी व्यवहार करना चाहते मेरा भी कुछ अभी नहीं है। द्वितीय कल्पित एक देशानाम एवं ज्ञानादि गुणवत्तम आत्मनस्तु न तदवत्तम शिवी, इसलिए द्वितीयों में यदि वो कल्पित देश में तो आत्मा में देश नहीं है तो आत्मा में आपका जो है गुण अभी भी नहीं रहे नहीं पाए, हाँ रखो जाती कल्पित कल्पना करना नहीं आगे माना था तो जब कल्पित हो जाएगी जरूर। द्वितीय कल्पित एक देशानाम है वो कल्पित एक देश में रहने वाला ज्ञानादि गुणवत्तम ज्ञानादि गुण वाला आत्मनस्तु न तदवत्तम, इसलिए आत्मा क्योंकि इस प्रकार मान लीजिए हमने कल्पना किया कि मैंने जो यहाँ पे एक वस्तु रखा और उस वस्तु रखा तो क्या वो कल्पना ही मतलब है नहीं वहाँ पे, इसलिए आत्मा तो रह नहीं पाएगा, तो आपका तदवत्तम सिद्ध वो आत्मा इस प्रकार जो हो रहा है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये तो कल्पित देश है वो सिद्ध नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं स्मृति ही गुणाम संस्काराना अप्रदेशवती आत्मनि असमुदया, स्मृति के लिए हेतु क्या होता है भावनात्मक संस्कार, किसी भी स्मृति के लिए हेतु क्या है भावनात्मक संस्कार, वो संस्कार से आपका स्मृति होती है, संस्कार का भाव स्मृति होने के पहले आपका अनुभव चाहिए, इसलिए न्याय दर्शन में ज्ञान दो प्रकार की माना एक अनुभव ज्ञान एक स्मृति ज्ञान, ठीक है ना, तो अनुभव और स्मृति एक साथ होता है क्या, अनुभव और स्मृति एक साथ होना संभव है, पहले कौन हुआ पहले अनुभव हुआ बाद में स्मृति हुआ, अब जब आपका सब कल्पित देश है तो आत्मा की एक देश स्मृति होने के लिए आपके पास जगह नहीं है, इसलिए बोलते हैं स्मृति हेतु नाम संस्कार, स्मृति के हेतु के संस्कार, अब देखो आत्मा में कोई प्रदेश नहीं मतलब आत्मा सावय वस्तु में अप्रदेश गति मतलब नीर अगर आत्मा में अप्रदेश गति आत्मा में अभी प्रदेश नहीं, इसलिए ये सब जो है आत्मा ने कल्पित मानने सामने कोई दोष नहीं है, नील अवयव आते अप्रदेश गति आत्मा ने मतलब नील अवयव आत्मा ने असमवया मान समय संबंध से नहीं कर सकता, ये हो गया अभिषेकता, इसी वजह से बोलते हैं स्मृति हेतव अधिकम स्मृति हेतव संस्कार भावनात्मक, स्मृति के हेतु कौन है संस्कार भावनात्मक संस्कार तेषाम ग्रहणम इतरेशम ग्रहणों का जो भाव संस्कार यहाँ पे कहा जा रहा है परंतु इसके द्वारा बाकी आठ का भी ग्रहण होगा मतलब बुद्धि शोक दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार लास्ट है ये आठ का भी ग्रहण हो जाता है सब का जो है स्मृति हेतव संस्कार स्मृति के हेतु यदि आपको समझना आसान पड़ता है इसलिए इसको बोल रहे हैं भावना आठ का भावना नाम संस्कार तेषाम संस्कार नाम ग्रहण उसको ग्रहण ऐसा मतलब तो जो बुद्धि शुद्ध सब पैसा भी एक साथ कहाँ रखोगे आत्मा तो प्रवेश होते नहीं है, इसीलिए आत्मा सब हमारे यहाँ पे जो हम आत्मा को किसी का आश्रय मानता ही नहीं है ना, वो किसी का आश्रय में रहते ना आत्मा का आश्रय सर्वदा शून्य सर्वदा शून्य ऐसा हमारे मान इस प्रकार रज्जु को तो सबको दिखाई पड़ते हैं कोई गलती नहीं कोई फांस हम तो बताओ कि रज्जु के आश्रय में सबको है क्या करना चाहिए परस्य सिद्धांत तो असिद्धि नए कुछ सिद्धांत तो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा इति शेष ये यहाँ पे समझना पड़ेगा इस खंड से आगे और जो ठीक है हमारा मान लो।
आप जो मान लो कि संस्कार आत्मा को उसने चेतन नहीं माना, भाई छोटी समस्या और भी है, आत्मा को द्रव्य माना, आत्म मन संदृश्य आत्म चेतनता रूपी भग्न अपूप उत्पन्न होता है। आत्मा और मन की संदृश्य, आत्मा और मन की संदृश्य, अच्छा जो जिन दोनों वस्तु में संयोग होगा तो उस स्पर्श गुण वाला होना चाहिए कि नहीं? यदि स्पर्श गुण गुण दोनों वस्तु समान जाती है वस्तु जो स्पर्श गुण वाला है उसमें तो संयोग होना संभव है, परंतु एक में स्पर्श गुण है कि एक में स्पर्श गुण है इसमें संयोग कैसे होगा? आत्मा में स्पर्श गुण तुमने नहीं माना, मन में माना तो कैसे संयोग? देखो तुम्हारे सिद्धांत को लेकर क्या बोल, संयोग तो उन दोनों वस्तु में हो सकता है यदि दोनों वस्तु में स्पर्श गुण वाला हो तो, समान धर्म वाला हो तो उसमें हो सकता है, परंतु जो समान धर्म वाला नहीं है, एक स्पर्श गुण वाला नहीं है और एक स्पर्श वाला है तो उसमें संयोग कर सकते हैं। आगे देखिए बोलते हैं, किंच आत्ममन संयोग असमवय कारण ज्ञान उत्पत्ति इष्ट, तुम्हारे यहाँ पे ज्ञान उत्पत्ति है आत्ममन की, आत्मा और मन की संयोग, इसको असमवय कारण माना। वेदांत में दो कारण मानते हैं, क्या क्या कारण मानते हैं? उपादान कारण और निमित्त कारण। न्याय दर्शन में तीन कारण माने, घट उत्पन्न पट उत्पत्ति के पीछे वो निमित्त उपादान कारण हो गया तंतु, और निमित्त कारण हो गया तंतु वाय मतलब चोरा, और तंतु संयोग हो गया असमवय कारण, है ना? कार्येन कारणेन असौ एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणत्वम् असमवय कारण, ऐसा मतलब कार्य के साथ भी रह सकते हैं कारण के साथ भी रह सकते, वहाँ पर तंतु संयोग पट के प्रति असमवय कारण है, इसी प्रकार तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवय कारण है, ऐसा तंतु संयोग तो समझ में आता है आराम से, तंतु संयोग है पट के लिए असमवय कारण, तंतु उपादान कारण, तंतु संयोग असमवय कारण, और आपका जो कुम्हार जुड़ा हो गया वो हो गया निमित्त कारण, ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ भी ये आत्म मन की संयोग असमवय कारण है, ज्ञान उत्पत्ति में असमवय कारण, इसलिए बोलते हैं किंच। और भी देखो आत्म मन संयोग असमवय कारण, आत्मा और मन की संयोग जो असमवय कारण है संयोग में, उस कारण से ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान बुद्धि जिसका अनुभूति होती है ये तुम्हारी अभिष्ट उत्पत्ति इसका ये तुम्हारी अभिष्ट, ये तुम कहना चाहते। तो यहाँ भी तीन नंबर टिप्पणी देखो लिखे होता है, तीन नंबर टिप्पणी ठीक है ना, तीन जो आत्म मन संयोग असमवय कारण ज्ञान उत्पत्ति, अद्वैती मते अव्यवस्था आपादयत वैशाषिकादय अभी न व्यवस्था अव्यवस्था निस्तार इति आशयेन भाष्यम अवतरे, आप हमारी मत में अव्यवस्था देने के लिए डंडा लेकर के खड़े हो गए, अरे अपने मन की तो बैठे देख लो। एक कथा ऐसा है जिसका अपना घर शिष्य का होता है वो किसी दूसरे का घर में पत्थर नहीं देता, अब तुम्हारा अपना ही सिद्धांत तो तुम अपने सिद्धांत को मेरा सिद्ध नहीं कर पाते, अपना सिद्धांत तो अपने सिद्धांत में डरा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं अद्वैती मते अद्वैत सिद्धांत में अव्यवस्था आपादयत हो वैशाषिक आदय, अव्यवस्था को आपादन करने की इच्छा रखने वाले वैशाषिक आदियों का भी ना अव्यवस्था निस्तार, उनके सिद्धांत में भी अव्यवस्था से निस्तार नहीं है, वो और अधिक अव्यवस्थित है, यदि आशा ये ना इसको मन में रखते हुए भाष्यम अवतार यदि भगवान भाष्यकार भाष्य मतलब टीकाकार भाष्यकार अवतरण देते हैं, टिप्पणीकार बोलते हैं, टिप्पणीकार बोलते हैं और क्या, तुम हमारे मत में दोष देने के लिए आए थे तो हम तुम्हारे सिद्धांत में तुम्हारे मत में नहीं कहते, हम तुम्हारे तुम अव्यवस्था से बचने का शांत करके तुम्हारे मत और अधिक हो जाएगा, इस प्रकार के लिए कह रहे हैं अद्वैती मते अव्यवस्था आपादयतो षष्ठी वचन वैशाषिका ए वैशाषिका आपादन करने की इच्छा रखने वाले वैशाषिका देखा मत में भी न अव्यवस्था निस्तार उसके सिद्धांत में अव्यवस्था से निस्तार होना संभव नहीं होता इति आशयेन इसको संज्ञा को मन में रखते हुए अवतरण देता है किंच आत्ममन संयोग असमवय कारणात् ज्ञानानाम् उत्पत्ति इष्टा क्योंकि ये तुम्हारा अभिष्ट है तथा च सति ग्रहण समय स्मृति न समवेत समवेत समवेती एव इति नियमो न प्रकट होते, अब तक अब आत्मा और मन संयोग से आपका ज्ञान उत्पन्न हो, आपने ज्ञान दो प्रकार में एक अनुभव का एक स्मृति का,
अब आत्मा मानो संयोग से एक साथ दो काम करने लग जाए, व्यवस्था कैसे करेगा? आत्मा मानो संयोग से एक साथ दो काम करने लग जाएगा तो कैसे करोगे? इसलिए आप बोलते हैं कि तथा चाहिए, ये ऐसा मानेंगे आत्मा और मन का संयोग पर ग्रहण समय मतलब अनुभव काल में स्मृति न संभव है, उसमें विस्मृति नहीं होगी कैसे करोगे? आत्मा और मन जो कि असमवाय कारण है, एक असमवाय कारण से दो काम एक साथ हो रहा संभव है, विस्मृति भी होना संभव है कि कुछ आज हमारा अनुभव भी होना संभव है, इसको रोकोगे कैसे? रोक पाओगे आत्मा मन संयोग से यही हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं तथा कथि ग्रहण समय स्मृति न संभव, ग्रहण काल में स्मृति नहीं होगा, एवं इति नियम न होगा, नियम नहीं कर पाओगे, शंकर जो हो जाएगा ग्रहण स्मृति एक साथ होने लगते हैं। एक आत्म मन संयोग से देखो आत्मा ज्ञान चेतना तो उत्पन्न होती है, ठीक है, मन के साथ संयोग से वो कहेगा आत्मा में व्याप्त रहने पर भी जिस जगह अपने मन संयोग करेगा उस जगह की स्मृति होने लग जाएगा, मुझे स्मृति का अनुभव एक साथ होने लग जाएगा, उस जगह की स्मृति और अनुभव होगा कैसे निर्णय करोगे, स्मृति कैसे निर्णय करोगे? इसलिए चार नंबर के ऊपर मेरे बोल रहे ग्रहण समय मतलब अनुभव समय, तो अनुभव समय में भी स्मृति होगा, यानी कि आप स्मृति और अनुभव को अलग नहीं कर पाओगे, आत्मन संयोग असमय कर दोनों के लिए समान है। इसलिए अब आगे आगे बोलते हैं ग्रहण कारण संयोगे न एवं स्मृति उत्पत्ति संभव है, क्योंकि ग्रहण का कारण क्या है? आत्मन संयोग, और उसी से स्मृति भी होता है। तब जब एक ही कारण से दो चीज होगा तो उसका नियमन कैसे करो? तो हम संकट होने लग जाएगा, स्मृति और मतलब अनुभव एक ही कारण होने लग जाएगा। ग्रहण कारण संयोगे न एवं ग्रहण के कारण जो आत्मन के संयोग है उस संयोग के द्वारा स्मृति उत्पत्ति, स्मृति का उत्पत्ति संभव हो जाएगा, संभव एक ही आप उस नियमन में जाए। फिर आप कहते हैं आत्मन संयोगाच्य स्मृति उत्पत्ति स्मृति नियमो अनुपत्ति, आत्मा और मन की संयोग से स्मृति और ज्ञान उत्पत्ति मतलब ज्ञान उत्पत्ति होने पर आपका जो दो प्रकार के ज्ञान है अनुभव ज्ञान स्मृति आत्मज्ञान इसमें कौन सा हो उसको नियमन कैसे करें वो हम शंकर बोल के अश्वय कारण देखी अश्वय कारण देखी। इसलिए बोलते स्मृति नियमो अनुपत्ति एक नंबर टिप्पणी में देखिए स्मृति में अनुभव काले स्मृति अभाव नियम अनुभव काल में स्मृति का अभाव होगा ये नियम तो निश्चय नहीं अनुभव की युक्ति हो जाएगा इसी बात अनुभव काल में स्मृति होने लग जाएगा क्योंकि दोनों के एक कारण आपने एक ही मन आपके मन सुनने का क्यों देता है। आगे और बोलते हैं किंच और भी टीका लगे किंच आत्म मनुष्य संयोगा एक स्मृति समुत्पत्ति समय स्मृति अंतराणी अपि समुत्पत्ति। अब आत्मा और मन की संघर्ष से ठीक है तुम अनुभव और स्मृति में ये संकट से बच नहीं पाओगे। अब फिर आपके पास कितने जब कर्म के अनुभव है आत्मा और मन की संयोग से किसका स्मृति करोगे? सभी स्मृति एक साथ होने लगता है, सभी स्मृति एक साथ होने लगता है, यानी असमवाय का इसका होते हैं किंच और भी देखो आत्मा मनुष्य हो आत्मा और मन इन दोनों का संयोग इसके संयोग से एकस्मात एकस्मृति एक संयोग से एक स्मृति का समुत्पत्ति समय जब एक स्मृति का उत्पत्ति होगा स्मृति अंतराणि अपि क्योंकि आप तो एक ही आश्रम आत्मा के आश्रम में माना आपने एक आत्मा के आश्रम में सारा स्मृति बैठी हुई है। अब मन के साथ संयोग किया आपने तब क्या हो जाएगा? आत्मा मन संयोग से स्मृति उत्पन्न नहीं होती तो कौन सा स्मृति उत्पन्न हो? कोई एक स्मृति को उत्पन्न करना चाहेगा उसका स्मृति होता कि आपको बात करते हैं। इसलिए बोलते हम शंकर स्मृति अंतरण अभी समुत्पत्तिर आपके चेतना में इसका उत्पन्न होने लग जाएगा। क्यों? असमवाय कारण से तुल्यत्व असमवाय कारण क्या है? आत्मन संयोग वो सभी के प्रति समान होने के कारण असमवाय कारण जब कारण विद्यमान है तो कार्य हो जाएगा। एक ही कारण से यदि अनेक कार्य होने तो सारी कार्य एक साथ होने लग जाएगा। आप बोलेंगे ये बात नहीं जैसे संस्कार के रूप में होगा तब पवित्र स्मृति होगी। संस्कार के किस आश्रय में है? आत्मा के आश्रय में है सारा संस्कार एक साथ है। तो जैसे आत्म मन के संयोग हुई सारा संस्कार एक साथ तो निकल आएगा। इसलिए बोलते हैं नच समुद बुद्ध संस्कार अयोगा अजोग पद्या नच समुद बुद्ध संस्कार अयोग पद्या जुगपत अनुपत्ति। आप ये नहीं कर युगपत अनुपत्ति ना भवती ना सुनते बात चौ
समुद्रगुप्त जो संस्कार होता है ना, आप जो संस्कार है तो समुद्रगुप्त संस्कार और योग पत्ता तो एक साथ उत्पन्न नहीं होगा, और योग पत्ता एक साथ सभी संस्कार नहीं आते। अच्छा आप बताओ, एक साथ आपके अंदर कितना संस्कार काम कर रहे हैं? एक नहीं, आप देखिए, सुनने का, समझने का, देखने का, एक साथ आप एक ही साथ आँख से देख करके व्हाट आई एम टेलिंग वो आपको कुछ समझ में आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज जो हम शब्द बोल रहे हैं वो आपको कान के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है, आपको इस प्रकार की सारा संस्कार अंदर से जागृत हो रहा है, परंतु उसका ज्ञान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो वृत्ति के कारण, अलग अलग वृत्ति के कारण, और वो जो आत्मा के आश्रय में मान, ये मनोवृत्ति की भिन्नता के कारण होता है। हम आत्मा का, आत्मा के असंग रूप में विद्यमान है और वृत्ति भेद के कारण ऐसा अलग अलग होता है, और मन की स्वस्फूर्त वृत्तियाँ अपने आप कभी देखना कैसे मन की वृत्ति अपने जब ध्यान करने के लिए गए अचानक मन अन्य वृत्ति उठा देते हैं, आप कमजा नहीं, इसी प्रकार आपकी अनजान नहीं एक साथ देखिए वृत्ति का भिन्नता कैसे होगा। इसलिए समुद्रगुप्त संस्कार और आप बोलोगे कि एक साथ सारा संस्कार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए एक साथ सब उत्पत्ति नहीं होगा। तेषाम तत्वबोधस्य च आत्मनि विप्रतिपन्नत्वेन मिति सामग्री अन्तर्भावन असंभवात् इति अभिप्रेत आह युगपद वा सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रश्न। आगे क्या बोलते हैं कि तेषाम तत्वबोधस्य मतलब उसको उद्भोग करना, संस्कार को उद्भोग करना, तेषाम तत्वबोधस्य च आत्मनि विप्रतिपन्न, हम मानते नहीं है आत्मा, हम कहाँ मानते हैं, मन में मानते हैं, तुम कहाँ मान दो, आत्मा में मान दो, सभी एक साथ आत्मा में होगा। हमारे यहाँ भी मनो एक मन फंक्शन करता है, आत्मा में यदि ऐसा फंक्शनिंग कैपेसिटी होता तब तो हम ठीक है, उसको भगवान ने क्या बनाया आते कि आत्मा में यदि ऐसा फंक्शनिंग कैपेसिटी होगा तो व्यक्ति को बदलने का, व्यक्ति तो मन की होती है, तब वहाँ पर ये हो सकता है, परंतु आत्मा में तो संभव नहीं है। तो फल क्या होता है, अब तुम जैसे आत्मा को मान कर एक साथ सारा संस्कार हो जाए, इसलिए आगे बोलते हैं तेषाम तत् उद्बोधस्य आत्मनि विप्रतिपन्न रही, हम नहीं मानते, हमारे साथ सामान्य है स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभव, स्मृति के सामग्री वहाँ पे अंतर्भाव हो जाए अलग अलग करके संभव नहीं होने के कारण इति अभिप्रेत, कौन सा स्मृति मैं किसको सोचना चाहता हूँ वो क्या कौन निश्चय करते हैं, आपकी बुद्धि, तो मैं इस समय इसको सोचना चाहता हूँ, मैं इसको, मैं इसको मन में लाना चाहता हूँ, इस प्रकार जो बुद्धि निश्चय करके देखेगा तो गुणमान उस प्रकार चित्त भूमि और संस्कार निकल जाए तो शब्द आते ही, ये जो हम यहाँ से चल के आते हैं पुस्तक लेकर आते आते हैं इट्स ए मेंटल प्रिपरेशन, वो पहले से मन तैयार हो जाता है, अचानक किसी जगह पर बैठ जाने के बाद आपको व्यक्ति नया आपके यहाँ बैठ जाएगा, अभी तुझे कुछ समझ पाएगा, थोड़ा बहुत अगर पूर्ण संस्कार होगा परंतु पूरा समझ में नहीं आ सकता। इसी प्रकार यहाँ भी है तेषाम तदुद्बोधस्य, पांच नंबर टिप्पणी तदुद्बोधस्य उसको जागरण करने वाला, जगाने वाला जो आत्मनि, क्योंकि कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है, आत्मा में विप्रतिपन्न नहीं, हमारी मान्यता नहीं होने का आत्मनि विप्रतिपन्न तेना अस्मत् अनभिमतया विवाद ग्रस्त तेना तेजावत, ठीक है ना, यहाँ पे छह नंबर टिप्पणी में आत्मनि विप्रतिपत्तेन मतलब अस्मत् अनभिमतया विवाद प्रस्तेन, इसका विवाद है व्यापित्व अव्यापित्व विकल्प, जो हम यहाँ पे निरस्त करके दिखाया आत्मा में क्या एक देश में रहते, आत्मा अनेक देश में रहते, विकल्प करके हमें दिखाया, इसलिए आत्मा में एक देश में रहने सभी देश में रहने से एक साथ हो जाएगा, एक देश में रहने से कल्पित मंत्र सत्य मंत्र, कल्पित देश मंत्र तो आत्मा सावय होगा, अकल्पित मंत्र तो आत्मा के साथ संबंध नहीं होगा, ये जो हमने यहाँ पे विकल्प दिखाया, यदि हमारे साथ तुम्हारे सिद्धांत में भिन्नता है इस कारण से, तो पूछो हमारे सिद्धांत में कैसे हो जाएगा, हमारे सिद्धांत में क्या हो जाएगा, आत्मा मुश्किल चित्त भिन्न संस्कार है, हमारा अलग अलग जगह है, संस्कार कहाँ रहता है चित्त भिन्न, अच्छा बुद्धि निश्चय करने की समय में इस काम तो जो है चित्त भूमि से कोई संस्कार निकल करके मन उसको लेकर जो उसका उसका शब्द का ज्ञान होता है इसमें क्या हो सकता है आता है तो समझ में, इसमें क्या ज्ञातृत्व भी लाभ हो गया शास्त्र, इसलिए तुम्हारे साथ हमारे सिद्धांत करते हैं आत्मनि विप्रतिपत्ति है स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभव, स्मृति सामग्री का अंतर्भाव अलग करके नहीं करते, हम यहाँ पे क्या करते हैं आप किसको सोचेंगे, यहाँ पे हम पठन पाठन के लिए आए, इस समय हमारा क्या स्मृति होगा शंकर भाष्य में जो शब्द शब्द का क्या अर्थ है वो संबंध स्मृति फंक्शन करता है, और अपने आप इस शब्द का ये अर्थ है ये अपने आप आपको धीरे धीरे समझ में आएगा,
वो भी नया व्यक्ति को नहीं था क्योंकि शब्द संबंध का ज्ञान नहीं था, सुनते सुनते अभ्यस्त होते ही शब्द की अभिप्रता के समझ में आ गया। इसलिए आप बोलते हैं कि आत्मनिविकृति करना एक स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभव यदि अभिप्रेत विश्लेषण मन में रहते बोलते हैं जुगपत का सर्वस्मृति उत्पन्न एक साथ सारा स्मृति उत्पत्ति हो जाएगा, ये आपको मानना पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णस्य।